अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद नवीद एंड वेलकम टू माय चैनल क्वांटा यूरेका। तो आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं अपना तीसरा लेक्चर फोर्स एंड मोशन का, ठीक है। और हमारे पास जो टॉपिक है एमसीक्यूज के लिए वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पास्ट पेपर में रिपीट हो चुके हैं एमसीक्यूज, ठीक है, एमडीकेट और ईकेट के पेपर्स में। क्लियर सर? तो चलो स्टार्ट लेते हैं पहले एमसीक्यूज से। अ बॉल इज जस्ट अलाउड टू फॉल फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन, इट विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग सर्कुलर पाथ, हाइपरबॉलिक पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, पैराबॉलिक पाथ। एक बॉल है हमारे पास, एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, उससे एक बॉल गिर जाता है, ठीक है। तो वो बॉल जमीन तक आने में कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल, ये डायग्राम आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जब बॉल रिस्ट में फॉल हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी बॉल को उठा दे और उसको हम छोड़ दें, तो ये जमीन की तरफ इस तरह आता है, ठीक है। और ये दूसरी तरफ हमारे पास है कि अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ मूविंग कार, मूविंग ट्रेन, ठीक है। तो ये जो पाथ है हमारे पास, देखें ये पाथ हमारे पास हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक, सॉरी, तो ये पैराबॉलिक पाथ कवर करता है, ठीक है। तो आंसर में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। द रीजन इट इज अ पैराबॉलिक पाथ बिकॉज द मोशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मोशन इज कॉन्स्टेंट। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल है, वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हमारे पास जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है हमारे पास, वो उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो एक्सेलरेट होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जब वो जमीन की तरफ जाता है तो पैराबॉलिक, पैराबोला शेप बनाता है, पैराबॉलिक पाथ में मूव करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, जब हमारे पास हाइट मैक्सिमम हो, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वो कितनी होती है, तो जीरो होती है, मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सके कि द वर्टिकल वेलोसिटी इज मिनिमम, इट्स मोमेंटेरली बिकम जीरो। जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ठीक है, वो जीरो हो जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो हमारे पास जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो वहाँ पे उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट वो जीरो हो जाता है, तो इस केस में उसकी जो वेलोसिटी रहती है, ठीक है, वो मिनिमम हो जाती है, उससे कम नहीं होती फिर वेलोसिटी, ठीक है। और जब तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर थ्री हमारे पास है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल विच आर म्यूचुअली, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू एंगल है, ठीक है, उनके लिए रेंज सेम होता है, तो वो कौन से दो एंगल होते हैं जिनके लिए रेंज सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो, तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, टू एंगल्स दैट आर कम्प्लीमेंट्री मीनिंग दैट एड अप टू 90 डिग्री एंड बोथ प्रोजेक्टाइल हैव सेम इनिशियल वेलोसिटी, देयर रेंजेस विल बी सेम। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो एंगल ले ले, 30 डिग्री पे हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं और दूसरा हम 60 डिग्री पर करते हैं, ठीक है, तो रेंज हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए बराबर होगी अगर इनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। सो इफ यू नो द रेंज ऑफ वन एंगल यू कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ अनदर कम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल हमें 30 डिग्री का एंगल पता है, ठीक है, तो हमारे पास हम 60 डिग्री का जो हमारे पास रेंज है उस वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके बराबर होते हैं, तो हमें डायरेक्ट पता चलता है। एमसीक्यू नंबर थ्री हमारे पास है कि अ बम ड्रॉप अ बम, अ बम्बर ड्रॉप अ बम व्हेन इट्स वर्टिकली अबाउ द टारगेट, इट मिसेस द टारगेट बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्लेन है हमारे पास है, ठीक है, एक प्लेन है, ठीक है, तो ये जब बम फेंकता है अपने टारगेट पर, यहाँ फॉर एग्जाम्पल नीचे टारगेट है, ये इस टारगेट को मिस करता है, ये क्यों करता है, ये इसलिए करता है कि यहाँ हमारे पास इस जो बम है, ठीक है, इसका हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो तो प्लेन की वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है, बमर की वेलोसिटी के बराबर है, जहाज़ की वेलोसिटी के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह नहीं आएगा सीधा, ठीक है, तो ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पर आएगा, तो हमारे पास ये जो टारगेट है ये मिस हो जाएगा, ठीक है, और बम यहाँ पे डिस्पोज हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बमर, ये इस वजह से होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड अ लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक जंपर अगर अपने जंप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको किस एंगल पे जंप करनी चाहिए, ठीक है, तो हमें पता है कि रेंज जो है हमारे पास वो 45 पे मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, रेंज इज मैक्सिमम 45 डिग्री, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, जिस अगर इसकी रेंज मैक्सिमम होगी तो हमारे पास
ये हाई अर्जम कहलाएगा और ये हमारे पास इसका रिकॉर्ड बनेगा इससे। द स्पान ऑफ अ ब्रॉड जंप डिपेंड्स ऑन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ब्रॉड जंप लगाना चाहते हैं तो वो किस उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप, मतलब अगर कोशिश करें कि मैं लॉन्ग जंप लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो इससे कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उसमें से अगर हम देखें मास ऑफ जंपर, इट्स नॉट, इट इज़ इनडिपेंडेंट। अगर प्रोजेक्टाइल में हम देखें तो हमें कहीं मास नहीं देखता है, ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी से काम है, मास का यहाँ पे कोई कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारे पास भी ऑप्शन है विजन ऑफ जंपर, इट इज इनवैलिड इन फिजिक्स, इट इट डजेंट डिपेंड व्हाट इज योर विजन, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ जंपर, ये ऐसा फैक्टर है हमारे पास, अगर हम प्रोजेक्टाइल जो रेंज है हमारे पास प्रोजेक्टाइल का रेंज उसको अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास एंगल है साइन ऑफ 2 थीटा आई थिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल डिपेंड करता है, तो अगर आपका एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, तो आप हाई जंप कर सकते हैं, या अगर इससे ज़्यादा और कम हो तो आपका जंप मैक्सिमम से कम होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर डिपेंड करते हैं यहाँ पे वो सी है हमारे पास, इस तरह अगर हम देखें, ठीक है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा और जी, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल डिपेंड करता है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे हमने कहीं पे ना मास दिखता है, ना वेजन दिखता है, ना हाइट दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन ट्री शुड एम, एक हंटर है हमारे पास, वो एक ट्री में एक बर्ड है, ठीक है, उसको एम करता है, निशाना लगाता है, उसको मारना चाहता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे एम करेगा, निशाना कहाँ पे लगाएगा, अ लिटल अबाउ द बर्ड, लिटल बिलो द बर्ड, एग्जैक्टली एट द बर्ड, ए वेरी हाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, वो थोड़ा सा उससे ऊपर लगाएगा, लिटल अबाउ द बर्ड लगाएगा, तो अपना टारगेट अपना एम, ए इज करेक्ट। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अ पर्सन थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड व्हाइल स्टैंडिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉल विल फॉल इन हिज हैंड बिहाइंड हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम, बिसाइड हिम। एक शख्स हमारे पास ट्रेन में है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक गाड़ी में एक शख्स बैठा है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉल को ऊपर उछालता है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाता है, तो ये बॉल कहाँ पे जाएगा, ये क्या, ये इसके हाथों में आएगा, उसके पीछे आएगा, इसके आगे आएगा, या उस पर साइड पर कहीं गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये और ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेम ही टाइम पे इसके हाथों में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड इन अ कंपोनेंट कंपार्टमेंट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ट्रेन, द बॉल विल फॉल। एक शख्स हमारे पास वो ट्रेन में है और तो वो बॉल को वो करता है, उछालता है ऊपर की तरफ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, तो यहाँ पे जब ये बॉल को उछालता है और ये गाड़ी जो हमारे पास है ये एक्सेलरेटेड है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो ये बॉल कहाँ पे फॉल करेगा, आया ये इसके हैंड में फॉल करेगा, बिहाइंड फॉल करेगा, इन फ्रंट ऑफ करेगा, या बिसाइड करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ये बिहाइंड करेगा, ये यहाँ बॉल यहाँ पे रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है, बॉल यहाँ पे रह जाएगी और ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये इस तरह काम करता है रिलेटिव वेलोसिटी से, यहाँ पे हम वो इजीली समझ सकते हैं कंसेप्ट। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल इस एमसीक्यूज में कहते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, और आप एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करो फ्रॉम पॉइंट पी एंड फॉलो अ पैराबोलिक पाथ इन विच द हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड इज टी हमारे पास है, ठीक है, एंड देन पॉइंट रीच टू पॉइंट क्यू, और ये फिर यहाँ पे आता है, ठीक है, जस्ट बिफोर लैंडिंग, सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इज, यहाँ पे देखो कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन हम देखें तो 0 at t, तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास जी है, ये 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं हमारे पास लार्जर एट टी देन एट क्यू, टी पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है, क्यू पे कम है, ये भी गलत है क्योंकि दोनों हमारे पास एक ही ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो हमारे पास दोनों का एक ही वो जी होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा लार्जर एट क्यू एंड देन की, ये भी गलत है, तो ये दोनों भी गलत है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है देन द एक्सेलरेशन इज सेम इट क्यू एज एट टी, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, एक्सेलरेशन इस पे और इस पे सेम हो क्योंकि दोनों ही एक ही ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई करते हैं, तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड में ये सेम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज जी विच इज सेम ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि अ बास्केटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड अलॉन्ग द पैराबोलिक पाथ, व्हाट इज द बॉल एक्सेलरेशन इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होता है, जी होता है, ठीक है, तो पहले दो ऑप्शन हमारे पास गलत है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जी अपवर्ड है या जी डाउनवर्ड है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द अर्थ सेंटर होता है, ठीक है, तो हमारे पास डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे जी डाउनवर्ड है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास एक है
A projectile is projected with a kinetic energy k. Its range is r. It will have maximum kinetic energy after covering a horizontal distance equal to. तो यहाँ पे हमारे पास कहता है कि सॉरी यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है. तो प्रोजेक्टाइल हमारे पास, यहाँ हमने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, ठीक है, प्रोजेक्ट किया, जिसके हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के है. सो इसका रेंज हमारे पास आर है, ठीक है. सो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कब मिनिमम होगी, ठीक है. आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. इस तरह मैं आपको लिखता हूँ कि के ई इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास है वी, ठीक है. अगर यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो, ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. और वेलोसिटी मिनिमम हो, ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है. तो हमारे पास ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे हमारे पास ये वेलोसिटी, हमारे पास प्रोजेक्टाइल का हमारे पास वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होती है, ठीक है. तो मैंने अभी आपको बताया कि वो हमारे पास है 1/2 r हमारे पास है, ठीक है, 0.5 r. यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम जो ऊपर पॉइंट होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टाइल है, ये जो पॉइंट होता है इस पे हमारे पास वेलोसिटी मिनिमम होती है, ठीक है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है, ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, सॉरी इसको रिमूव करते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि एट द हाइएस्ट पॉइंट, सॉरी यहाँ पे हमारे पास इसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ विच करिस्पॉन्ड टू अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ हाफ द रेंज द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमाइज्ड. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. अभी नेक्स्ट टाइम किसी की तरफ मूव करते हैं. हमारे पास है टू प्रोजेक्ट, टू प्रोजेक्टाइल्स आर इन फ्लाइट, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास ये कहते हैं कि दो प्रोजेक्टाइल हमारे पास हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये प्रोजेक्टाइल और एक प्रोजेक्टाइल ये और ये फ्लाइट में, ठीक है, अभी ये हवा में. तो ये कहते हैं कि एट द सेम टाइम द एक्सेलरेशन ऑफ वन रिलेटिव टू अदर, इसके मुताबिक फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रोजेक्टाइल ए है और ये प्रोजेक्टाइल बी है, ठीक है. तो ये कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल ए के मुताबिक प्रोजेक्टाइल बी का हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है और प्रोजेक्टाइल बी के मुताबिक प्रोजेक्टाइल ए का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है. यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और वो डायरेक्ट क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. ऑलवेज क्लिक करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकेंड ये एक्सेलरेशन होता है क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन थे, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, ठीक है. आप लोगों ने करना है कि आपने देखना है कि हमारे पास रिलेटिव मोशंस को समझना है, ठीक है. इसका भी एक्सेलरेशन हमारे पास है 9.8 है हमारे पास जी है, और इसका भी एक्सेलरेशन जी है, ठीक है. तो इन दोनों के मुताबिक यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल करें एक दूसरे को, ठीक है, इनका रेशो ले, इनको कैंसिल करें, ठीक है. हम डायरेक्ट ये रेशो इस तरह नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. तो इसका जी और इसका जी आप कैंसिल करो, ठीक है. तो ये दोनों हमारे पास, इन दोनों का हमारे पास जो रिलेटिव हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो जीरो है हमारे पास. यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है. ये तीनों ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है. तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव मोशंस का कंसेप्ट यूज हुआ है, ठीक है. उसी को आपने मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करना है यहाँ पे. तो इंडिविजुअली इट इज ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकंड. इसका भी इंडिविजुअली 9.8 मीटर पर सेकंड है और इसका भी इंडिविजुअली 9.8 मीटर पर सेकंड है. लेकिन जब अगर इसके मुताबिक अगर हम इसको देखें, ठीक है, फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ ए अगर हम बी को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है. और अगर बी के मुताबिक ए को देखें तो ए में भी यहाँ सेम वो है, ठीक है, इसमें भी जीरो होता है. तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट देखते हैं कि एक कॉन है हमारे पास, ठीक है, उसका 9 सेंटीमीटर हाइट है हमारे पास एंड हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 60 डिग्री. देन द डायमीटर ऑफ द बेस इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कि एक कॉन है हमारे पास, ठीक है. कॉन इस तरह होता है, आप लोगों ने देखा हो, ठीक है. ये कहते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये 60 डिग्री है हमारे पास, ठीक है. ये 60 डिग्री एंगल है हमारे पास और फाइंड करें इसका डायमीटर अगर हाइट 9 सेंटीमीटर हो, ठीक है. तो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है. हम एक शॉर्ट ट्रैक है हमारे पास कि हम इस तरह करेंगे कि इसके हाइट को लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं टेंजेंट ऑफ द एंगल, ठीक है. टेंजेंट ऑफ एंगल हमारे पास कितना है, एंगल 60 है, तो टेंजेंट ऑफ 60 है हमारे पास, ठीक है. तो टेंजेंट ऑफ 60 है, ये हाइट है हमारे पास, ये हमारे पास बराबर है रेडियस ऑफ द कॉन के, ठीक है. लेकिन जब हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं बोथ, तो हमारे पास 2 आर डायमीटर के बराबर है, ठीक है. तो ये यहाँ से हम डायमीटर फाइंड करते हैं, ठीक है. टेंजेंट 60 हमारे पास कितने के बराबर है, ठीक है. टेंजेंट 60 हमारे पास अंडर द रूट 3 के बराबर है और यहाँ पे हमारे पास हाइट जो है वो तो 9 सेंटीमीटर है पहले से. तो इस तरह हम करते हैं कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ठीक है. तो ये हमारे पास 18 इंटू अंडर द रूट
थ्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। इफ़ यू आर गिवन हाइट एंड द वर्टिकल एंगल फॉर्म्ड एट द कॉन एपेक्स, सो देन मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द कॉन विद द टेंजेंट ऑफ एंगल टू गेट रेडियस एंड मल्टीप्लाई विद टू टू गेट द डायमीटर। मैंने आपको ये प्रोसेस सारा बता दिया, इसी को फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इनिशियल स्पीड हमारे पास उनका ये है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस हमारे पास निगलेजिबल है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, सिंपली हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे जीरो होती है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को जीरो पुट करेंगे। एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, ठीक है, तो जी की जगह हम माइनस जी पुट करेंगे, एक ही जगह माइनस जी पुट करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एच बराबर है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, तो वी हमारे पास 15 है, तो उसका स्क्वायर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारे 15 है, 15 का स्क्वायर लेते हैं, फिर डिवाइडेड बाई टू जी करते हैं, जिससे हमारे पास आता है 11 मीटर हाइट, 11 मीटर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन सच अ वे दैट मैक्सिमम हाइट इक्वल्स द रेंज, यहाँ पे हमारे पास रेंज और हाइट बराबर है, तो फाइंड करें एंगल, वो कौन सा एंगल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमने फॉर्मूले को यूज करना है, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने मेमोराइज करना है, ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आर और एच को बराबर पुट करना है, ठीक है। तो जब आर और एच को बराबर पुट करेंगे तो आर और एच कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू फोर बराबर फोर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट को हम डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे टेंजेंट इनवर्स फोर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है, और वो 76 डिग्री तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सारे गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पे कमेंट करें, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई एमसीक्यूज आपको समझ ना आया हो एक्सप्लेनेशन, तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।